बिग फैन ऑफ फिल्म फ्रॉम द 70s. बेसिकली जो जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हैं, चुपके चुपके, और ये घोसला का घोसला देख लीजिए अभी रिसेंट पास में. तो यही जॉनर में बनाना मेरा, जब मैंने पहला फिल्म बनाया तो मुझे लगा कि मैं इसी, जो मुझे पसंद है फिल्में देखना, मैं वही बनाऊँ. तो मैंने लिखना शुरू किया कुकू. बहुत ही स्वीट सिंपल स्टोरी है. सो व्हाइल आई वाज डूइंग वन ऑफ द थिएटर, लाइक वन ऑफ द प्लेस कॉल्ड होली, आई वाज स्पॉटेड बाय एकता कपूर एंड समवन कॉल्ड मी फ्रॉम बालाजी टू समवन कॉल्ड फ्रॉम गेटअवे, लाइक अमन सर्स ऑफिस हु इज आवर डायरेक्टर फॉर दिस ऑडिशन. सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई गेव द ऑडिशन, इट वॉज माई फर्स्ट ऑडिशन ऑफ माई लाइफ. So I gave the audition and it went really well, but I was not expecting anything because I had nothing to lose. I was like, yeah, it's a nice experience, I'll just go and do the audition. And apparently what happened was I was shortlisted and then I was called for a series of auditions, and finally I gave an audition with the other characters of the film, and the tapes went to Balaji and I got the film. Last year I had auditioned for a film called Fukre, which was a big hit for XL. But that didn't happen. ठीक है, होता है. But the same casting director was casting for this film. तो उन्होंने मुझे call किया, उन्होंने बोला कि मैंने तेरा चूचा का audition already बिजॉय और अमन इज़ आर director, उनको दिखा दिया and they've really liked you. तो एक बार आ जा, मिल ले. I said okay. मैंने heard the name बालाजी, तो मुझे पता था that I'm in safe hands. तो I went there, met them, they liked me, they liked my audition for चूचा. They told me कि एक look test देना है, बस वो दे दे एक formality के लिए, but we really like you. Couldn't be a better opportunity because मैं एकता भी साथ में थी इस project में, तो I think as a project I couldn't have asked for better. And मेरा जो role है इस film में वो एक दिल्ली की लड़की का है. मेरा जो character का नाम है वो मिताली है, और दिल्ली की लड़की है. मैं अपने कॉलोनी का टोटका हूँ, अगर दिल्ली के वर्ड्स में बोलूँ तो. और काफ़ी अच्छी दिल की लड़की है, गर्ल नेक्स्ट डोर है. मेरी जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इस फिल्म में मैं बहुत ही सिंपल स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर की अवतार में दिखूंगी. आई नॉर्मली मिस इंडिया और मॉडलिंग के बाद आप एक परसेप्शन है कि ये ग्लैमरस है, मिस इंडिया है, मॉडल है, लेकिन इस फिल्म के बाद आई थिंक मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर की छवि में एक किरदार निभाने का मौका मिला. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी.